क्लास फ्यूजन के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड सेल्स, यानी कि हमने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बाद अब हमें वो सिलेक्ट करने हैं, ऐसे हाइब्रिड सिलेक्ट करने जो फ्यूज हुए हैं, और जो फ्यूज नहीं हुए हैं वो हम डिस्कार्ड करेंगे। और फ्यूजन के लिए तीन प्रकार के प्रोटोप्लास्ट जो है वो उपस्थित रहते हैं, यानी कि पहला कौन कौन से हैं, जो प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज नहीं हुए हैं, दूसरा जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हुए हैं उनमें एक है होमोकैरियन और एक है हेट्रोकैरियन, यानी कि जो न्यूक्लियस है हमारा वो क्या है, एक में प्रेजेंट है और एक में क्या है, दो स्पीशीज के न्यूक्लियस आ गए हैं। और एक होमोकैरियन में क्या होता है, एक ही तरीके के यानी एक ही स्पीशीज का न्यूक्लियस आता है, जबकि हेट्रोकैरियन में क्या होता है, दोनों स्पीशीज के न्यूक्लियस आ गए, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, एक स्पीशीज का न्यूक्लियस चाहिए और एक स्पीशीज का क्या चाहिए, साइटोप्लाज्म चाहिए। और थर्ड टाइप के कौन से होते हैं, जो कि हमने पढ़े, हेट्रोकैरियन होते हैं। सॉरी, पहला तो जो था हमारा कौन सा था, जो कि अनफ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट है, सेकंड है होमोकैरियन और थर्ड है हेट्रोकैरियन। और ऐसे जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो कुल प्रोटोप्लास्ट यानी टोटल प्रोटोप्लास्ट के कितने, 0.50 से लेके 15% तक के होते हैं। अब इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड या स्टेप्स हम यूज करते हैं जिससे हम जो सिलेक्शन है वो हाइब्रिड सेल्स का, सोमेटिक हाइब्रिड सेल्स का वो किया जाता है। पहला है जब दोनों स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट अलग अलग रंग के हैं तो उन्हें सरलता से पहचान सकते हैं, यानी कि हमने अगर स्पीशीज ए फॉर एग्जांपल हमें ब्लैक कलर की है, स्पीशीज बी है वो ब्लू कलर की है, ब्लैक एंड ये ब्लू, तो हम क्या होगा, जो माइक्रोस्कोप है हम इजीली ये देख पाएंगे कि जो स्पीशीज ए है स्पीशीज बी है वो कितना आपस में फ्यूज हुए हैं। देन इस विधि में हम भिन्न रंगों की प्रकाश दीप्ति वाले अभिरंजक यानी कि स्टेन जो होते हैं या डाई जो होती है हम यूज करते हैं, और इनके कारण ये विधि काफी, क्योंकि हमें पता है कि जो यहाँ पे जो हम स्टेन ले रहे हैं वो फ्लोरोसेंट स्टेन होते हैं, फ्लोरोसेंट स्टेन वो होते हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, हम उनको माइक्रोस्कोप की प्रेजेंस में ही जो स्टेन है उनको हम देख सकते हैं, और इसीलिए ये जो प्रक्रिया है या जो मेथड है वो काफी जटिल कठिन होता है और ये टाइम टेकिंग होता है। सेकंड हमारी विधि है कि हम उसको कल्चर करते हैं, कल्चर करने में हम क्या करते हैं, उनकी पहले कॉलोनी या फिर या उनसे प्राप्त जो पौधे हैं उनको हम पहचान करते हैं अलग अलग कैलस से उनके, क्योंकि जो अलग अलग कैलस है उनका अलग अलग शेप एंड साइज होता है, शेप एंड साइज, और या फिर हम जो स्पीशीज ले रहे हैं उसके जो अकारकी गुणसूत्र हैं उनकी संख्या यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम है उनकी संख्या, प्रोटीन या विकर आदि के इलेक्ट्रोफोरेसिस से प्राप्त, इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सी टेक्निक है, ये एक टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, एक तरफ होती है एनोड और एक तरफ होती है कैथोड, ये अपोजिट एंड में लगी हुई होती है। अब हम इनमें क्या करते हैं, इनमें अलग अलग सैक होते हैं जिसमें हम अपना रिक्वायर्ड जो भी मटेरियल है वो माइक्रोपिपेट से पोर कर देते हैं, और फिर हम इसे, और जो मीडियम है वो हम यहाँ पे लेते हैं अगार मीडियम जिसके ऊपर ये जो प्रोटीन है वो मूव करता है, और ये मूव करता है कि अगर इनका साइज बड़ा होगा तो ये इनकी जो डिस्टेंस है वो एनोड से कम रहेगी, जबकि अगर ये स्मॉल साइज हैं तो ये ज्यादा ट्रेवल करेंगे, और इसी बेसिस पे हम
ये मेथड यूज करके पता करते हैं कि जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं वो हाइब्रिड है या नहीं है। थर्ड है, हम इन विधि में क्या करते हैं, इस विधि में दो स्पीशीज में किसी एक लक्षण की कमी होती है तो दूसरे में किसी एक लक्षण की कमी, क्योंकि हमने देखा था कि अगर हम कोई स्पेसिफिक स्पीशीज ले रहे हैं तो उसमें एक स्पीशीज में का हमें एक डिजायरेबल करेक्टर चाहिए और दूसरी स्पीशीज का दूसरा, तो उस हमें ये दोनों कमियां का हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन इसमें क्या होता है, जो दोनों की जो कोशिकाएं हैं उनमें की जो दोनों कमियां हैं वो क्या हो जाती हैं, छिप जाती हैं। और ये कमी है ये हमें कैसे पता करते हैं, या तो हम टेम्परेचर सेंसिटिव कर दें एक सेल को, या फिर हम एंटीबायोटिकली उसको सेंसिटिव कर दें। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेट्रा माइसिन, साइक्लोहेक्सामिन, ये ऐसी दो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि किसी भी प्रोटोप्लास्ट के न्यूक्लियस के लिए सेंसिटिव होती हैं। और टेम्परेचर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक स्पीशीज होगी वो उस हाई टेम्परेचर पे रेजिस्ट नहीं कर पाएगी और वो उसकी डेथ हो जाएगी। और हम इजीली ऐसे पता कर सकते हैं कि जो हमने फ्यूजन लिया है सेल का, वो उसमें अगर वो रेजिस्ट कर पा रही है हाई टेम्परेचर और एंटीबायोटिक, तो इसका मतलब वो क्या है, स्पीशीज हाइब्रिड है। और जो सेल्स ये सिलेक्शन प्रोसीजर में सिलेक्ट या पास नहीं होती है, उनको हम फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है रीजनरेशन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड सेल्स या हाइब्रिड प्लांट्स। इसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, जो कायिक संकरों के पुनर्जनन के लिए हम संकरों का कम से कम जो पार्शियल फर्टाइल कंडीशन है वो जरूर देखते हैं। और अब तक जो है वो हमारे पास कई तरीके के, जैसे सिमेट्रिक सोमेटिक हाइब्रिड्स और एसिमेट्रिक सोमेटिक हाइब्रिड्स हमें मिलते हैं। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, कायिक संकरण और साइब्रिड्स, दो तरह की सेल होती हैं, एक होती है साइब्रिड और एक होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस को प्राइमरीली इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि साइब्रिड में हम साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल को प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सी स्पीशीज होती हैं उनमें कायिक संकरण द्वारा कुछ पौधों का पुनर्जनन इस टेक्निक के द्वारा किया जा चुका है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हमने क्या किया, उसको एक अगार प्लेट में उसको एम्बेड कर दिया। एम्बेड करने के बाद उसमें हमें क्या किया, उसमें हमने लिक्विड कल्चर पोर कर दिया। लिक्विड कल्चर है वो क्या होगा, जो फीडर लेयर यानी कि जो अगार लेयर है जिसको हम फीडर लेयर बोलते हैं, क्योंकि वो फीड करती है सेल या कल्चर को, उसको ऊपर हम पोर कर देते हैं। उसके बाद हमारा एक माइक्रो चैम्बर तैयार हो जाता है जिसमें हमारी सेल्स होती हैं, और उसके ऊपर हम कवर स्लिप से उसे क्लोज कर देते हैं। तीसरा है माइक्रो चैम्बर ऑफ अ प्लास्टिक, यानी कि हम क्या करते हैं, एक हैंगिंग लूप, हैंगिंग ड्रॉप्स, यानी कि जो ड्रॉप्स यानी कि जो कल्चर हमने लिया है, यानी कि जो हमने कल्चर लिया है वो उसमें उसकी हम फर्टिलिटी देखते हैं। ये तीनों ही मेथड हैं, ये हम प्रोटोप्लास्ट के रीजनरेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें भी दो तरीके के हाइब्रिड्स हम देखते हैं, एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम दोनों संकरण, दोनों के जो में जनक स्पीशीज, जनक यानी कि जो पेरेंट स्पीशीज है उनके सोमेटिक क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट या कायक गुणसूत्र पूरक उपस्थित पूर्ण या लगभग पूर्ण दशा में होती है।
जिसके कारण जो संकर है वो एक नई स्पीशीज होती है। यानी कि क्या होगा, जो हमने स्पीशीज ए ली है उसके कुछ करेक्टर्स और जो स्पीशीज बी है उसके कुछ करेक्टर्स, यानी कि अब जो नया प्रोटोप्लाज्म जो फ्यूज होके हमें मिला है उसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो स्पीशीज बी का है और जो साइटोप्लाज्म है वो स्पीशीज ए का है। तो अब हुआ क्या कि जो हमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन के बाद जो हमें स्पीशीज नई स्पीशीज मिली, अब वो पूरी तरीके से क्या है, अलग है। और दूरस्थ स्पीशीज है, जैसे उसके जो संकर है वो अक्सर बंधे होते हैं, ऐसी स्थिति में दो स्पीशीज की टू एन कोशिका यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो यहाँ पे डबल हो गए हैं, और दूसरी स्पीशीज की हैप्लॉयड यानी कि एन कोशिकाओं को संगलित करके हम 3N पौधे प्राप्त करते हैं। और ये हम मोस्टली टेक्निक यूज करते हैं जब हमें सीड की क्वालिटी इनहेंस करनी हो, क्योंकि सीड की क्वालिटी इनहेंस तभी होगी जब सीड का जो कर्नल है वो साइज में बड़ा होगा और प्रोडक्शन जो है वो हाई होगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक स्पीशीज का डिप्लॉयड क्रोमोसोम और एक स्पीशीज का हैप्लॉयड क्रोमोसोम हम लेके उसे ट्रिप्लॉयड कंडीशन बना देते हैं। तो अब जो हमारे पास स्पीशीज बन के आई है वो क्या है, टोटल डिफरेंट है। देन हमारा आता है एसिमेट्रिक। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्पीशीज का पूर्ण काय क्रोमोसोम यानी उसमें पूर्ण जितना भी उसका टोटल क्रोमोसोम है वो लेते हैं, और दूसरी स्पीशीज का हम केवल कुछ एक गुणसूत्र यानी कि कुछ ही क्रोमोसोम लेते हैं। इसमें अभी क्या होगा, जो माइटोसिस की प्रक्रिया होगी यानी कि समसूत्री विभाजन होगा, उसके उसमें क्या होगा, जो एक स्पीशीज के जो क्रोमोसोम है वो अपने आप क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो गए, लोप हो जाएंगे। इससे यानी कि लोप हो जाना इसका मतलब कुछ क्रोमोसोम जो हैं वो नेक्स्ट स्पीशीज में माइटोसिस में नहीं आएंगे, और इसके साथ ही लुप्त हुए जीनोम के कुछ गुणसूत्र खंडों का शेष बचे जीनोमों में इंटीग्रेशन, यानी कि कुछ जो हमारे क्रोमोसोम हैं वो रह जाएंगे और कुछ जो है वो डिलीट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस में क्या होगा, दो क्रोमोसोम हैं जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, उनका क्या होगा, आपस में क्रॉसिंग ओवर होगा और कुछ जो है वो क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। इंटीग्रेट होने का मतलब है एक क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसके साथ दूसरी स्पीशीज के क्रोमोसोम है वो भी साथ में आके क्या हो जाएंगे, एक नई स्पीशीज का निर्माण करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमने क्रोमोसोम लिए हैं अलग अलग स्पीशीज के, वो हमने क्या लिए हैं, एसिमेट्रिकली लिए हैं, यानी कि हमने पूरा का पूरा जीनोम नहीं लिया, हमने कुछ ही क्रोमोसोम के जो डिजायरेबल करेक्टर्स है उसकी वजह से हमने कुछ ही क्रोमोसोम लिए हैं, और एक स्पीशीज के हमने पूरा गुणसूत्र लिया है, इसकी वजह से इसे एसिमेट्रिक बोलते हैं। और जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है इसमें, इस मेथड में यानी कि जो हम इंटीग्रेशन हो रहा है क्रोमोसोम्स का, वो हम एक्सरे या फिर गामा रे यूज करके उसे तोड़ते हैं, और इन प्रोटोप्लास्ट को दूसरी स्पीशीज के सामान्य प्रोटोप्लास्ट से संलग्न करने पर असीमित संकर प्राप्त किए जा सकते हैं। असीमित यानी कि जो एसिमेट्रिक सोमेटिक हाइब्रिड्स हैं वो हमें लेते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हमें दिख रहा है, हमने दो स्पीशीज को फ्यूज करा के हाइब्रिड सेल बनाया, एक तो था न्यूक्लियर फ्यूजन और सेकंड था नो न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग दो सेल्स में डिवाइड होके प्रेजेंट है, लेकिन एक इसमें क्या है, कंप्लीट हाइब्रिड में क्या है, जो दोनों के न्यूक्लियस है उनमें क्या है, हाफ हाफ क्रोमोजोम मटीरियल है वो नेक्स्ट जनरेशन में आया है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड में एसिमेट्रिकली किसी का साइटोप्लाज्म और किसी का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये दोनों ही अलग अलग टेक्निक है इन, और दोनों की अलग अलग अपनी इम्पोर्टेंस है इन द टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में। यहाँ पे कुछ स्पीशीज दी गई हैं जिनको हमने रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंट बनाया, जैसे टोबैको मोजाइक वायरस, पोटैटो वायरस एक्स, इसमें हमने सोलेनम ट्यूबरसम यानी कि जो पोटैटो स्पीसीज है उसको एस
केओसिन के साथ मर्ज करवाया। सिमिलरली और भी हैं, पोटैटो लीफ रोल वायरस है, लेट ब्लाइट एंड पीएलआरवी पोटैटो वायरस वाई है, फाइटोफथोरा है, सीडोमोनास सोलेनोसीलियम है, फ्रॉस्ट टॉलरेंस। अब जैसे कुछ स्पीशीज होती हैं जो कि ठंडी के मौसम में या बहुत ज़्यादा चिल्ड मौसम में ग्रो नहीं कर पाती हैं, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं ताकि उनमें ऐसे एंजाइम हो जो कि फ्रॉस्ट यानी कि जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनको वो टॉलरेट कर पाए। नेक्स्ट हमारा है स्टेटस ऑफ प्लाज्मोजेन एंड सोमैटिक हाइब्रिड, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।